हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह जो हैं वो 24 घंटे उन एरियाज में खुले रहेंगे। इसके अलावा जो ओवरऑल हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ में मिल्क शॉप, चिकन गोश्त मछली की शॉप, बेकरियाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रॉसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियाँ, फ्रूट सब्ज़ी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स जो हैं इनके लिए भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का जो है वो नए SOPs जारी किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसके तहत जहां हम आमदोरफ्त को महदूद कर रहे हैं वहां साथ साथ उस लोकेलिटी के अंदर जो टेस्ट्स हैं उनकी तादाद को भी बढ़ा रहे हैं। जो हमारी टेस्ट टारगेट करके टेस्ट और क्वारंटीन की जो पॉलिसी थी स्क्रीनिंग की उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, अब एक तो ये है कि हमने इसको निपटने के लिए सरकारी सतह पे इस चैलेंज से ओवरकम करने की जो ऑलरेडी आप हमारे इनिशिएटिव्स थे उनको दोहराना, रेप्लिकेट करना, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना और उसकी टाइट मॉनिटरिंग करके हर शहर के अंदर पंजाब भर में वैक्सीनेशन के अमल की निगरानी करना। अब तक जो है वो पंजाब में 1,19,581 फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक जो है वो दे दी गई है। 49,852 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की दूसरी वैक्सीन की दूसरी खुराक जो है वो दी गई है। अब तक 1,30,987 शहरियों को भी कोरोना की वैक्सीन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमारे लिए चैलेंज है एज अ गवर्नमेंट के मिसपरसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन और प्रोपोगंडा, जहरीला वैक्सीन के हवाले से एक दानिस्ता तौर पे अबहाम पैदा करना, आवाम को गुमराह करने का जो हमारा एक रवायती तरीक़ेकार रहा है वो अल्टीमेटली उसकी जद में हम। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि आपका वैक्सीन के हवाले से मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग जो वैक्सीन के हवाले से मनफी और जहरीला प्रोपोगंडा खिला रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो और आवाम जो है वो इस सहूलत से ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल आज जी बताइएगा कि कैसे देखती हैं सेनेट के अंदर जो होने जा रहा है और हो गया बल्कि अपोजिशन एक दफा फिर तकसीम होती दिखाई देती है। नून लीग तहफुजात का इजहार कर रही है कि अगर पीपल्स पार्टी ने यही सब कुछ करना था तो कुछ खास हल्कों की तरफ इशारे कर रहे हैं कि बात वाले किन की मदद से उस तरफ गए। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। ताज़ा ताज़ा मीडिया की स्क्रीन पे अभी मैंने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिजब इख्तलाफ बने हैं। नून लीग की दावतें जो हैं वो जाती उम्रा में जारी हैं और साथ ही सफ़े मातम भी बिछ गई है क्योंकि जो दोनों के दरमियान मैच था नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कायदे हिजब इख्तलाफ की सीट पे वो नून लीग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़बा हो गई है और अल्टीमेटली नून लीग की दावत शराज जो है वो एक दूसरे का गम गलत करने के लिए रायवंड के महल में जारी और सारी है और वो मकसद तो कुछ और था। मकसद तो खांचे सिरी पाए हडीसे खा के नैब पे हमला करना था लेकिन नाती धोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। वो नाते धोते जो फिल्म शूटिंग के लिए आना चाहते थे और जो उस सर्कस को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए अपनी हॉस्पिटल और क्लिनिक वगैरह जो हैं वो 24 घंटे
उन एरियाज में खुले रहेंगे। इसके अलावा जो ओवरऑल हमारी हुकूमती पॉलिसीज में मिल्क शॉप, चिकन, गोश्त, मछली की शॉप, बेकरियाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रॉसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियाँ, फ्रूट सब्ज़ी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स जो हैं इनके लिए भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का जो है वो नए SOPs जारी किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसके तहत जहां हम आमदोरफ्त को महदूद कर रहे हैं वहां साथ साथ उस लोकेलिटी के अंदर जो टेस्ट्स हैं उनकी तादाद को भी बढ़ा रहे हैं। जो हमारी टेस्ट टारगेट करके टेस्ट और क्वारंटीन की जो पॉलिसी थी स्क्रीनिंग की उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, अब एक तो ये है कि हमने इसको निपटने के लिए सरकारी सतह पे इस चैलेंज से ओवरकम करने की जो ऑलरेडी आप हमारे इनिशिएटिव्स थे उनको दोहराना, रेप्लिकेट करना, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना और उसकी टाइट मॉनिटरिंग करके हर शहर के अंदर पंजाब भर में वैक्सीनेशन के अमल की निगरानी करना। अब तक जो है वो पंजाब में 1,19,581 फ्रंट लाइन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक जो है वो दे दी गई है। 49,852 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की दूसरी वैक्सीन की दूसरी खुराक जो है वो दी गई है। अब तक 1,30,987 शहरियों को भी कोरोना की वैक्सीन जो है वो पंजाब में लगा दी गई है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमारे लिए चैलेंज है एज अ गवर्नमेंट के मिसपरसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन और प्रोपोगंडा, जहरीला वैक्सीन के हवाले से एक दानिस्ता तौर पे अबहाम पैदा करना, आवाम को गुमराह करने का जो हमारा एक रवायती तरीक़ेकार रहा है वो अल्टीमेटली उसकी जद में हम। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूंकि आपका वैक्सीन के हवाले से मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग जो वैक्सीन के हवाले से मनफी और जहरीला प्रोपोगंडा फैला रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो और आवाम जो है वो इस सहूलत से ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया। सवाल आज जी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। ताज़ा मीडिया की स्क्रीन पे अभी मैंने देखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिजबे इख्तलाफ बने हैं। नून लीग की दावतें जो हैं वो जाती उम्रा में जारी हैं और साथ ही सफ़े मातम भी बिछ गई है क्योंकि जो दोनों के दरमियान मैच था नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कायदे हिजबे इख्तलाफ की सीट पे वो नून लीग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़बा हो गई है और अल्टीमेटली नून लीग की दावत शराज जो है वो एक दूसरे का गम गलत करने के लिए रायवंड के महल में जारी हो सारी है और वो मकसद तो कुछ और था। मकसद तो खांचे सिरी पाए हडीसे खा के नैब पे हमला करना था लेकिन नाती धोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। वो नाते धोते जो फिल्म शूटिंग के लिए आना चाहते थे और जो उस सर्कस को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए अपनी